नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। नाबालिग हिंदू लड़की को भगा ले गया मुस्लिम समाज का लड़का, विरोध में उतरा सर्व हिंदू समाज। शनिवार को गोगुंदा कस्बे को किया बंद, तैनात रहा पुलिस जाब्ता। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, रविवार सुबह 11 बजे प्रजापत समाज की वाटिका में सर्व हिंदू समाज करेगा बैठक। रविवार सुबह लड़की के परिजनों से मिलने आएंगे भीम आर्मी के पदाधिकारी। शनिवार को समुदाय विशेष के लड़के द्वारा कस्बे के हिंदू परिवार की लड़की को भगा ले जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद आक्रोशित हिंदू संगठनों के लोगों ने बाजार बंद करवाते हुए प्रदर्शन किया। दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार बंद रहे। जानकारी के अनुसार 4 दिन से घर से गायब लड़की नाबालिग है। लड़की की मां ने शुक्रवार को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी। शनिवार को हिंदू संगठनों के लोगों को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने गोगुंदा बंद का आह्वान करते हुए लड़की भगा ले जाने वाले समुदाय विशेष के लड़के को गिरफ्तार करने की मांग की। उनके आह्वान पर कस्बे के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। वहीं थानाधिकारी शैतान सिंह ने तत्परता दिखाते हुए उच्चाधिकारियों को माहौल से अवगत कराया, जिस पर उच्चाधिकारियों ने पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भिजवाया। इस बीच एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा व गिरवा डिप्टी गजेंद्र सिंह सहित सायरा थानाधिकारी प्रवीण सिंह भी जाब्ते के साथ गोगुंदा पहुंचे। इसके बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों सहित कस्बे के सैकड़ों लोग तहसील परिसर में पहुंचे और नारेबाजी करते हुए नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले लड़के को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी को ज्ञापन सौंपा। वहीं उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली व एडवोकेट कमलेश शर्मा भी तहसील कार्यालय में पहुंचे और एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी व तहसीलदार ओम सिंह लखावत से बात कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने व आक्रोशित लोगों की मांगों को पूरा करने को कहा। उन्होंने संगठनों के लोगों से बात कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी ने ज्ञापन पर टिप्पणी करते हुए थानाधिकारी को त्वरित जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं भाजपा के मंडल संयोजक डीसी मेघवाल ने बताया कि जब तक लड़के को गिरफ्तार करके लड़की को उसकी मां को सुपुर्द नहीं किया जाता, तब तक गोगुंदा बंद रखने की चेतावनी दी है। इस दौरान किरण पालीवाल, प्रवीण पालीवाल, अशोक जोशी, सुरेश पालीवाल, गणेश देवड़ा, सुरेश तेली, धर्मेश तेली, अंकित जोशी, हितेश आचार्य, कपिल प्रजापत, भारत सिंह, जितेश पालीवाल, दिलीप घमेती व फतेहलाल जोशी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। इधर देर शाम को भीम आर्मी के ऑफिशियल पेज पर एक सूचना भीम आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी अनिल पनोर ने जारी की। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे करीब उदयपुर के रेती स्टैंड से भीम आर्मी के पदाधिकारी गोगुंदा के लिए रवाना होंगे और गोगुंदा में लड़की की मां से और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं सर्व हिंदू समाज के लोगों ने एक सूचना जाहिर करते हुए बताया कि रविवार सुबह 11 बजे प्रजापत समाज के नोहरे में एक बैठक की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी।